नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ फसलों के साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम याद करेंगे। तो पहली फसल है हमारी मटर, जिसको पी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। मटर का पौधा वैसे तो विश्व के हर जगह उगाया जा सकता है। इसके लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, जिस पे ज़्यादा ग्रो करता है। मटर से जुड़ी अन्य जानकारी है, सबसे पहले आनुवंशिकता का अध्ययन भी मटर के पौधे पे ही करा गया था। नेक्स्ट फसल है गन्ना। गन्ने को शुगर केन कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रम ऑफिसिनेरम। गन्ना विश्व की एक नकदी क्रॉप है। इससे चीनी, गुड़ आदि का निर्माण किया जाता है और साथ ही शराब के निर्माण में भी यह मुख्य भूमिका निभाता है। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है व भारत इसमें दूसरे स्थान पर आता है। अगली फसल है चावल। चावल का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सैटिवा। चावल पूरे विश्व में प्रमुख रूप से उगाए जाने वाला अनाज है। चावल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर उगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छी सिंचाई योजना की आवश्यकता होती है, ताकि चावल का पौधा अपनी अच्छी पैदावार कर सके। नेक्स्ट फसल है तंबाकू, जिसको टोबैको कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है निकोटियाना रस्टिका। तंबाकू के उत्पादन के लिए लाल दोमट मिट्टी होनी चाहिए, अतः खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें जल भराव की स्थिति ना हो। तंबाकू की खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए। इसकी कृषि के लिए ठंडा व शुष्क जलवायु अच्छी मानी जाती है। अगली फसल है आलू। आलू का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूब्रोसम। आलू के अंदर ज़्यादा मात्रा में वसा पाया जाता है और आलू को वर्ष भर उगाया जा सकता है। अगली फसल है हमारी गेहूं। गेहूं को वीट कहा जाता है, जबकि इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम सैटिवम। गेहूं के उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं की पैदावार में काफ़ी तेजी आई थी और भारत गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अगली फसल है प्याज। प्याज का साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा और प्याज का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है। इसके बाद भारत में महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा प्याज का। अगली फसल है मक्का। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज और यह मैक्सिको देश की मूल फसल है। मक्का का उत्पादन विश्व के हर एक भाग में किया जाता है। मक्का का उपयोग आजकल एथेनॉल और बायोफ्यूल बनाने में ही किया जा रहा है। अगली फसल है सोयाबीन। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन के उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए शाकाहारी व्यक्ति इससे प्रोटीन प्राप्त कर सकता है। अगली फसल है हमारी सनफ्लावर। सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनस। सनफ्लावर एक टाइप का ट्रॉपिज्म शो करता है, जिसको कहा जाता है हेलियोट्रॉपिज्म। सनफ्लावर अमेरिका देश का मूल पौधा है। सनफ्लावर का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर इफेक्ट को कम करने के लिए।